सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है तुम्हारे जाने के बाद। हमारे देश में हर घंटे एक इंसान खुदकुशी कर लेता है बगैर ये सोचे हुए कि उसके यूं चले जाने से उसके परिवार पे क्या गुजरेगी। ऐसे ही एक परिवार और एक माँ के दर्द को अमली जामा पहनाने की एक छोटी सी कोशिश की है मैंने। आशा करती हूँ कि आप उस परिवार के दर्द को महसूस कर पाएंगे जिन्होंने अपनी बेटी बहन या अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। माना परेशानियाँ बहुत थी, दर्द भी था, तकलीफ भी थी, जिंदगी में तेरी तन्हाइयाँ ही थी। समझती हूँ तो घुट घुट के जी रही होगी, दर्द का सैलाब सीने में छिपा के हमसे हंसकर बातें बना रही होगी। हाँ मानती हूँ तो कब तक ऐसे जी पाती, कब तक नए पुराने जख्म झेल पाती, मरहम की जगह तानों के बांध संग रह पाती। लेकिन मेरी बच्ची तो एक बार तो हमसे कहती, अपने माँ पापा पर इतना एतबार करके तो देखती, तू अगर पास होती तो हमेशा की तरह मैं तेरी आँखें पढ़ लेती, तो कुछ ना भी कहती फिर भी मैं तेरा दर्द समझ लेती। पर किसने सोचा था ज़मीन के फासले दिलों में भी आ जाएंगे, हर बात बताने वाली हमारी बिटिया को यूँ खामोश कर जाएंगे। हाँ उन लोगों की तो बहुत थी पर बिटिया तू हमारे कलेजे का टुकड़ा थी। तू तो जानती थी ना पापा तुझ पे जान लुटाते थे, तू जितना पैर पसारती थी वो चादर उतनी बढ़ाते थे। चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, वो तेरे चेहरे पे उदासी की रेखा तक न बन पाने देते थे, और तू उन्हें भूल गई, अपनी तकलीफों के आगे उनका चेहरा भी भूल गई। अपनी छोटी बहन को तो गोद में खिलाया था ना तूने, ममत्व का पहला एहसास कराया था ना तुझे उसने, फिर तेरे जहन में उसका ख्याल कैसे नहीं आया। अपनी छुटकी के दुख का अंदाजा तूने कैसे नहीं लगाया। माना सफल गृहस्थ जीवन के कुछ उसूल बताए जाते हैं। घर की बातें किसी को नहीं बताना ये सिखाए जाते हैं। पर मैंने तो तुझसे कितनी बार कहा था रिश्तों के शुरुआत में समायोजन करना जरूरी होता है, पर जब पानी सिर के ऊपर जाने लगे तब समायोजन को नहीं अपने अस्तित्व को तवज्जो दिया जाता है। पर तू भूल गई कि हम तेरे अपने हैं, तू भूल गई कि उस घर के बाहर भी तेरे कुछ रिश्ते हैं जो तुझ पे अपनी जान छिड़कते हैं। क्या तेरी नज़रों के सामने हमारा चेहरा एक बार भी नहीं आया? अपनी हस्ती मिटाने से पहले मेरा ना सही अपने पापा का भी तुझे ख्याल नहीं आया? तूने तो हमें कुछ बताया तक नहीं, अब हम तुझे कैसे न्याय दिला पाएंगे? तेरे दामन से कायर का दाग कैसे छुड़ा पाएंगे? मेरी बच्ची तेरे कातिल को हम सजा कैसे दिला पाएंगे? किसी की भी नाजायज बात बर्दाश्त नहीं होती थी ना तुझसे, फिर तूने नाजायज हरकतों के आगे घुटना कैसे टेक दिया? पापा की बहादुर बेटी थी ना तू, फिर पापा का गर्व कैसे तोड़ दिया तूने? क्यों नहीं सोचा तूने कि जिन आँखों ने तुझे किलकाड़ी भरते देखा था, नाजों से पाल कर इतना बढ़ाया था, अपने कंधे पे सारा जो जहाँ घुमाया था, वो आँखें तुझे निष्प्राण कैसे देख पाएंगे? वो कंधे अपने जिगर की लाश कैसे उठा पाएंगे? जिसकी बातों का कोई अंत ना होता था, उसकी खामोशी भला हम कैसे झेल पाएंगे? अब तू ही बता कैसे संभालूं मैं तेरे पापा को? क्या कहकर तेरी छुटकी को शांत कराऊं? तेरे बगैर जीना मैं सबको कैसे सिखाऊं? और सबको संभालने से पहले मैं खुद को संभालने की हिम्मत कहाँ से लाऊं?